दीपावली के त्यौहार पर जहां देश भर के घर उत्सव के दीयों से जगमगाते हैं, वहीं असम के जोराहाट जिले के निमती बिटोर कोकिला गांव का कुम्हार समुदाय अपनी सदियों पुरानी मिट्टी के बर्तनों की परंपरा को जीवित रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। 200 साल पुरानी ये कला जो कभी आजीविका का प्राथमिक स्रोत थी, अब विलुप्त तो होने के कगार पर है, जिससे समुदाय काफी परेशान है। कितने दिनों से आप लोग का ये जो आप लोग जो दिया बनाते हो, कितने दिनों से चल रहे हैं? ये बहुत दिन से चल रहा है हमारा यहाँ पर। पूरे गांव का ये दिया और मिट्टी का बर्तन बनाता है हमारा गांव में, सभी लोग बनाता है। और ये दिन हमारा जो माँ है अभी, और हमारा माँ की बाप की माँ था, दादी माँ, सब लोग बनाता था ये दिया और मिट्टी का बर्तन। अभी माँ बना रहे है हमारा। फिर भी अगर देखा जाए कितना होगा, 150-200 साल? 150-200 साल तो हो गया हमारा, हमको तो पता नहीं। लेकिन जो हमारा पिताजी था, हमारा पिताजी का पिताजी था, उस लोगों ने भी बनाया था। उस लोगों ने बोला था कि बहुत पुराना दिन से गांव है, नदी के किनारे का गांव, और मिट्टी बनाने के लिए नदी का किनारे से मिट्टी लेकर आने से अच्छा लगता है। हमको सरकार को ये बोल रहा है कि हमको कुछ इस मिट्टी का बर्तन बनाने का हमको कुछ दीजिए, और जो साख है उसमें बनाने से जल्दी जल्दी हो जाता है ये काम। अभी हमारा माँ जिन्ना इन्ना नहीं बना पा रहा है, हाथ में हाथ से बना रहा है। साख और इलेक्ट्रिक की सुविधा की शीश होने से हमारा ये काम जल्दी जल्दी हो जाता था। तो अभी आप लोग का जो, क्योंकि आप लोग का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, आप लोग को देखा जाए तो जितना मुनाफा चाहिए उतना आप लोग को नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे एक बात बताओ तो आप लोग को मतलब कैसे आप लोग रोजगार करते हो, कैसे आप लोग का दिन का जो मतलब चलते हो आप लोग, घर चलाना पड़ता है, कैसे चलाते हो? घर चलाने से अच्छे से चला नहीं पा रहा हो दूसरे लोगों की तरह। जो ये मिट्टी बर्तन बनाता है उसको हम बाजार में लेकर जाता है। बाजार में जाने से आप दूध बनाने का जो दूध में मिट्टी के बर्तन में देता है उसमें पॉलिथीन आ गया, उससे हमारा हेडू की कारोबार खराब हो जाता है। मतलब दही जो है वो आजकल पॉलिथीन की पैकेट में आता है। तो आप लोग का यहाँ का जो आप लोग का जो ट्रेडिशनल जो आप लोग मिट्टी का बर्तन जहाँ पे दही जमाते थे, वो अभी सेल कम हो गया है। अब जो जोरहाट में हमारा टाउन में अभी जो हमारा पिताजी के दिन था ना, उसमें पॉलिथीन का पैकेट नहीं था, अभी तो ये पॉलिथीन का पैकेट आ गया, इसीलिए हमारा ये बिजनेस डाउन हो गया। अब एक बात बताओ, आप मिट्टी कहाँ से लाते हो अभी? अभी हमारा मिट्टी जो उधर एक पत्थर था उसमें से खनकर लेकर आता हूँ। तो उसको आपको खरीद के लाना पड़ता है? खरीद के लेना पड़ता है, जो मिट्टी का मालिक है ना उससे रुपया देकर हम लोग खरीद कर ले रहा है। अच्छा, पहले सुनाई दे रहा था कि पहले जो आप लोग खुद खुदाई करते थे फिर मिट्टी वहां से निकालते थे, तो अभी सुना है कि गवर्नमेंट ये चीज बैन कर दिया है, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए गवर्नमेंट तो ये अच्छा ही कर रहा है, ब्रह्मपुत्र के किनारे में ये खाने के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उस लोगों ने हमको एक इसका विकल्प भी देना चाहिए हम लोगों को, नहीं तो ये 120 घर हमारा कुमार गांव के लोग है, ये लोग क्या करेगा? इसीलिए हमको सरकार में कुछ सुविधा दीजिए, तब हम वो मिट्टी नहीं खानेंगे। सुविधा नहीं देगा तो हम तो करना ही पड़ेगा वो काम।